सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र के बाद आज कपिल मिश्रा के निशाने पर आप नेता संजय सिंह और आशुतोष। कपिल मिश्रा ने सुबह 11 बजे आशुतोष और संजय सिंह पर बड़े खुलासे का किया दावा, ट्वीट से उपजा विदेश दौरे पर खुलासे का शक। कपिल मिश्रा ने कल किया था ट्वीट, जब इंडिया में रात होती है तब रूस में सुबह होती है ना संजय भैया, सुबह 11 बजे। कपिल मिश्रा ने कहा, मैं सीएम केजरीवाल से 5 नेताओं के विदेश दौरे की मांगी थी डिटेल, जो अब तक नहीं मिली, आज कुछ और भी जवाब चाहिए। दिल्ली के पंजाबी बाग में आज शाम 5 बजे से आम आदमी पार्टी की राज्य स्तर की बड़ी बैठक, सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीएम केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास भी करेंगे शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली और मुरादाबाद का करेंगे एक दिवसीय दौरा, कानून व्यवस्था की स्थिति का लेंगे जायजा। सुबह 10 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी, पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं संग करेंगे वार्ता, बाद में अधिकारियों संग कानून व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा, बाद में दिव्यांगों को बांटेंगे उपकरण। दोपहर 2 बजे बरेली पहुंचेंगे सीएम योगी, पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद प्रशासनिक अधिकारियों संग करेंगे मीटिंग, शाम को होगी लखनऊ वापसी। कल्पांदा दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में 2 बार किया था जिला अस्पताल का दौरा, पहले अस्पताल का किया निरीक्षण, बाद में उसी अस्पताल जाकर बस हादसे में घायल हुए लोगों से मिले। बांदा में कल हाई टेंशन वायर की चपेट में आने के बाद संतुलन बिगड़ने से पलट गई थी बस, आग में लगने से 4 यात्रियों की हुई थी मौत, 15 यात्री हुए थे घायल। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने पेश की इंसानियत की मिसाल, लखनऊ में एक घायल युवक को अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। शहीद पथ पर हादसे में जख्मी हो गया था बाइक सवार, बार बार फोन करने पर भी समय से नहीं पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। संभल में शहीद सुधीर कुमार के परिजन आमरण अनशन पर बैठे, सीएम योगी से गांव आकर सरकारी वादा पूरा करने की मांग। फैजाबाद में मुस्लिम परिवार में धर्मांतरण की खबर, हिंदू धर्म अपनाया। मुंबई के दादर में हादसे का शिकार हुई बेकाबू बस, एक यात्री की मौत, 35 घायल। पाकिस्तान के पैसे पर कश्मीर में आग लगाने का खुलासा होने पर हुर्रियत की चाल, नईम खान को किया सस्पेंड। बौखलाया नईम खान, मीडिया और जांच एजेंसी पर भड़का, कहा एनआईए के जरिए मुझे डराने की कोशिश। आज तक के कैमरे में पाकिस्तान से पैसे लेने की बात कबूल करने वाले नईम खान और गाजी जावेद बाबा से पूछताछ जारी। कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़े मामले में अलगाववादी यासीन मलिक और बिट्टा कराटे के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग। यासीन मलिक पर स्क्वाड लीडर रवि खन्ना समेत 4 एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या का भी है आरोप। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 25 साल से हुर्रियत नेताओं को मिली खुली छूट, अब होगी कड़ी कार्रवाई। कुलभूषण यादव के केस में पाकिस्तान ने फिर दिखाई हटी, पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सत्ताज अजीज ने फिर कहा, जाधव को पाकिस्तान कोर्ट के मुताबिक ही दी जाएगी सजा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आतंकी मुठभेड़, घुसपैठ में 2 आतंकी ढेर, सेना के 2 जवान भी शहीद। नौगाम में कई और आतंकी छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल 4 राइफल के साथ फरार, तलाश में जुटी पुलिस। मई को पूरा होगा मोदी सरकार का 3 साल, आज तक में सफलता असफलता की पड़ताल के लिए आज किया आज तक एडिटर्स राउंड टेबल का आयोजन। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में सुबह 10 बजे से आज तक एडिटर्स राउंड टेबल का आयोजन, 10:15 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द रोड अहेड में रखेंगे अपने विचार। सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से होंगे सवाल जवाब, हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता पर होगी चर्चा। आज तक एडजस्ट राउंड टेबल के कितने अच्छे दिन, सत्र में शिरकत करेंगे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज तक एडजस्ट राउंड टेबल में केंद्रीय मंत्री उमा भारती, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम दिग्गज मंत्री और नेता होंगे शामिल। शाम 7:45 तक जारी रहेगी चर्चा। राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि आज वीरभूमि में श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका वाड्रा ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस का महिला मोर्चा आज मोदी सरकार से उठाएगा महिला आरक्षण का मुद्दा।